जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्राथमिक एजुकेशन पर। हम हल कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो हिंदी साहित्य और रीतकाल से संबंधित हैं। आपको इसमें मदद मिलेगी 2022 की परीक्षा हेतु। तो पहला प्रश्न है, घनानंद रीतकाल के किस रीत के कवि हैं? घनानंद रीतकाल के किस रीत के कवि हैं? तो घनानंद रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त में नहीं है? इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त में नहीं है? तो रीत मुक्त में जो कवि हैं वो हैं बिहारी या रीत सिद्ध कवि हैं। रीत सिद्ध कवि बिहारी हैं और बिहारी प्रमुख हैं। रीतकाल को सुविधा अनुसार तीन भागों में बांटा गया है, रीत सिद्ध, रीत मुक्त और रीतबद्ध। रीतबद्ध कवियों में बिहारी जी हैं और श्रेष्ठ हैं। उसके बाद चिंतामणि मतराम देव भिखारी आचार्य कुलपत मिश्र, यह सब रीतबद्ध काव्य की परंपरा में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा कवि रीत मुक्त का नहीं है? निम्न में से कौन सा कवि रीत मुक्त का नहीं है? तो वह है सेनापति। सेनापति रीत मुक्त की कवि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी और कवि का नहीं है। आचार्य शुक्ल ने यह कथन किसके बारे में कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने जो कथन बोला कि यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर अचूक अधिकार जैसा इनका था वैसा किसी और का कवि का नहीं है, तो वह थे घनानंद जी। घनानंद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि भाषा पर इनका अधिकार बहुत बेजोड़ था। भाषा मानो इस सहृदय को जोड़ने के साथ साथ यह स्वर्तनी हो गई थी। ये अपनी अनूठी भावभंगिमा के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे भाषा को उसी रूप में मोड़ देते थे, और वह पहले से कहीं अधिक बलवती दिखाई पड़ती थी इनकी नूतन भाषा के गति अभ्यास पर। और भाषा के की पूर्व जो अर्जित शक्ति है उसे चलाकर इन्होंने नई व्यंजना बनाई। और घनानंद जी ऐसे बिरले कवि हैं जो भाषा की व्यंजना को बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? इनमें से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? तो वह है घनानंद। घनानंद लक्षण ग्रंथकार कवि नहीं अपितु स्वच्छंदतावाद के प्रेरक थे। स्वच्छतावाद की विचारधारा इनमें थी और यह रीत मुक्त कवि हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनकी प्रेमिका का नाम सुजान था। निम्न में से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो है घनानंद। घनानंद के प्यारे सुजान सुनो, तुम कौन धोपाटी पढ़े हो पर दे तू छटाक नहीं। तो इनकी कविताओं में सुजान का जिक्र अक्सर होता है। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? सुजान शब्द का प्रयोग घनानंद की कविता में सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है? वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि कौन है? तो वह घनानंद जी ही हैं। घनानंद स्वच्छता स्वच्छंद काव्य धारा के कवि के साथ साथ इस धारा से प्रायः इनकी गुण शैली भी मिल जाते थे, जैसे भावात्मक, लक्षणात्मक और भावों की वैयक्तिक त्रासमयिकता, मार्मिकता इत्यादि। तो इन्होंने जो वियोग रचनाएं लिखी हैं और सैकड़ों अंतरदशाओं में मार्मिक चित्र खींचे हैं जो सीधे हृदय पर लगते हैं। और घनानंद को प्रेम का पीर, घनानंद को प्रेम का पीर भी कहा जाता है। घनानंद को प्रेम का पीर भी कहा जाता है। और इनकी जो रचनाएं हैं वो विशेषतर आंतरिक और अनुभूति तथा भावोद्वेग से संबंधित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? तो घनानंद की जो भाषा है वह ब्रजभाषा है। घनानंद की जो भाषा है ब्रजभाषा है। घनानंद ने जो ब्रजभाषा में लिखे हैं सुजान सागर, ठीक है, सुजान सागर को लिखा, विरह लीला लिखी, के कोकसार, रसकेल बिल्ली, कृपा कांड इत्यादि लिखे हैं। घनानंद का जो जन्म हुआ था दोस्तों 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था। 1689
नवासी ईस्वी के आसपास हुआ और 1379 में ये नादिर शाह के द्वारा मारे गए थे। ये प्रेम और मस्ती से संबंधित काव्य लिखते थे, प्रेम और मस्ती से संबंधित काव्य लिखते थे। शुक्ल जी ने इन्हें प्रेम मार्ग का एक प्रवीण धीर पथिक और जवान का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि कोई हुआ ही नहीं ऐसा दावा करते हैं कौन, आचार्य शुक्ल। और इन्हें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र के नाम से संबोधित किया। इनके जैसा कोई कवि पौने 200 वर्षों बाद छायावाद में ही प्रकट हुआ। ठीक है, मैंने घनानंद की जो कृति है ब्रज भाषा की है और इनकी जो रचना है सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार आदि हैं। ये तो कथन थे कि शुक्ल जी के अनुसार जो प्रेम मार्ग का एक प्रवीण और धीर पथिक जवादानी एक ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है, कथन भी कभी कभी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोकसार की रचना किसनी है, तो अभी बताया कि कोकसार की रचना घनानंद ने की है। और इनमें से कौन सा कवि रीतमुक्त का नहीं है, इनमें से कौन सा कवि रीतमुक्त का नहीं है, तो जो रीतमुक्त का कवि हैं वह हैं घनानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सुजान सागर के लेखक कौन हैं, सुजान सागर के लेखक कौन हैं, तो सुजान सागर के लेखक घनानंद हैं, सुजान सागर के लेखक घनानंद है। अगला क्वेश्चन है, लोग हैं लाग कवित बनावत मोहिताओं मेरे कवित बनावत, काव्य पंक्ति किसकी है, तो यह काव्य पंक्ति भी घनानंद की ही है। अगला क्वेश्चन है, अतिसूधो स्नेह कुमारग किसने लिखा है, अतिसूधो स्नेह कुमारग जहने कुशयानप बांक नहीं, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो इस पंक्ति के भी रचनाकार घनानंद ही हैं। सख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन सीखिए लीनो जस ओ प्रताप को कहनो हैं, पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति है ठाकुर की, किसकी है ठाकुर की। ठाकुर भी रीत मुक्त काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवि हैं और कवि मर्म पर व्यंग कसते हुए इन्होंने लिखा था कि सख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन। अगला क्वेश्चन है, इसमें से रीत काल का अकुनासा कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है, कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है, तो वह है सेनापति। सेनापति आलंबन रूप में चित्रोत्मक प्रकृति कविता का चित्रण किया है और व्यंग रूप में वातावरण का भी संकेत किया है। हिंदी साहित्य में जो प्रथम स्थान मिलता है सेनापति ने ही प्रकृति के बारे में चित्रण करके किया है। इन्हें कवित्त रत्नाकर, इनकी जो रचना है वो है कवित्त रत्नाकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकझुक परत जहीं चितवत एक बार, रसलीन का यह दोहा उनकी किस कृति का है, रसलीन का यह दोहा उनकी किस कृति का है, तो रसलीन का यह दोहा उनकी जो अंग दर्पण कृति है उसका है। रसलीन का पूरा नाम सैयद गुलाम नबी रसलीन था, रसलीन का पूरा नाम सैयद गुलाम नबी रसलीन था। इन्होंने अंग दर्पण काव्य से रचना की, ये रचना नखसिख वर्णन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन है, कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन है, तो कवित्त रत्नाकर के रचनाकार भी सेनापति ही हैं। कवित्त रत्नाकर के रचनाकार सेनापति हैं, इनकी जो रचना है वह ब्रज भाषा में हुई है और 1706 ईस्वी में, और 1706 ईस्वी में लगभग औरंगजेब का शासन भारत में था, 1700 या उसकी मृत्यु होने वाली थी औरंगजेब की, तो 1706 ईस्वी में कवित्त रत्नाकर की रचना सेनापति ने की। इनकी दूसरी कृति है काव्य कल्पद्रुम मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, यह प्रेम कुपंथ कराल महातलवार पी धार पे धावन है, यह प्रेम पंथ कराल महातलवार की धार पे धावना है, यह पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति बोधा जी की है। बोधा रीतमुक्त के कवि हैं और इनका वास्तविक नाम जो था बोधा का बुद्धिसेन था, उनका वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। इन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बोधा एक रसोन्मुख कवि हैं और प्रेम की पीर की व्यंजना में इन्होंने मर्म आश्विनी
युक्ति की है, मर्म स्पर्शनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवित्त रत्नाकर के रचयिता कौन है? कवित्त रत्नाकर के रचयिता भी सेनापति हैं। अगला क्वेश्चन है, कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है? कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है? तो कवित्त रत्नाकर ब्रज भाषा में रचा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुजान चरित्र के रचयिता कौन है? सुजान चरित्र के रचयिता कौन है? तो सुजान चरित्र का रचयिता है वह है सुदन। अब कभी कभी क्वेश्चन बनता है सुजान चरित्र घनानंद ने लिखा है, तो सुदन यहाँ सही होगा। रीतकालीन कवि सुदन का सुजान चरित्र एक वीर प्रधान काव्य है। क्या है? वीर प्रधान, वीर रस प्रधान ऐतिहासिक काव्य है, जो भरतपुर के महाराजा वदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह उर्फ सूरजमल के युद्धों का वर्णन में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? तो वह है सेनापति। अगला क्वेश्चन है, मतिराम द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो रतिराम द्वारा रचित ग्रंथ ललित ललाम है। एक बार दोहरा लेते हैं इसको, निम्न में से किसकी रचना सतसई ने में नहीं की है? तो सेनापति ने नहीं की है। और इसमें मतिराम द्वारा रचित फूल मंजरी, लक्षण, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, ये भी सतसई के अंतर्गत आती हैं। और बिहारी की ख्याति का मूल आधार अत्यंत जो ग्रंथ है उनका, वह सतसई ही है। ठीक है, बिहारी का जो ग्रंथ है वह सतसई ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा ग्रंथ अलंकार ग्रंथ नहीं है? निम्न में से कौन सा ग्रंथ अलंकार ग्रंथ नहीं है? तो अंग दर्पण साहित्य जो है अलंकार ग्रंथ नहीं है। अंग दर्पण रीतकाल के कवि गुलाम नबी रसनील द्वारा नख सिख वर्णन में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोधा का असली नाम क्या है? जो बोधा का असली नाम क्या है? तो बोधा का असली नाम बुद्धि राम है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।